अगर आप इस पृष्ठ पर ये दोनों छंद पढ़ें तो यूपीए जिसकी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी हैं, उन्होंने कहा है नो सीट शैल बी रिजर्व्ड फॉर विमेन बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स इन द थर्ड जनरल इलेक्शंस। 3B पढ़ें तो उन्होंने कहा, प्रस्ताव दिया, नो सीट शैल बी रिजर्व्ड फॉर विमेन इन द थर्ड जनरल इलेक्शन, अर्थात आज की सरकार जब यह अधिनियम लागू होगा तब के बाद 15 वर्षों तक महिलाओं को रिजर्वेशन गारंटी करती है, मोदी की गारंटी है। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी का प्रस्ताव आप पढ़ें तो उनका प्रस्ताव ये था 2B और 3B में कि नो सीट शैल बी रिजर्व्ड फॉर विमेन इन SC/ST इन द थर्ड जनरल इलेक्शन, नो सीट शैल बी रिजर्व्ड फॉर विमेन इन द थर्ड जनरल इलेक्शन। कांग्रेस का प्रस्ताव था कि 10 साल औरतें मेहनत करें लेकिन 15वें साल में आपका अधिकार आपसे छीना जाएगा। आज मैं अभिनंदन करती हूं प्रधानमंत्री जी का, हमारे न्याय मंत्री का, जिन्होंने कांग्रेस की इस अभिलाषा को निराश किया। फिर इनका ये वक्तव्य कि आप अभी क्यों नहीं कराते। महोदय, हम जानते हैं कि संविधान को छिन्न भिन्न करना ये कांग्रेस की पुरानी आदत है, लेकिन आज अगर आप इसी गरिमामय संविधान के अनुच्छेद 82 को पढ़ें, 82, ये किताब नहीं है, संविधान का मेरे हाथों में तो आपके लिए किताब होगी, हमारे लिए पूजनीय है, संविधान है ये। आर्टिकल 82, और आपकी अनुमति से पढ़ना चाहती हूं। Upon the completion of each census, allocation of seats in the House of the People to the states and division of each state into territorial constituencies shall be readjusted by such authority and in such manner as Parliament may by law determine, provided also that until the relevant figures for the first census taken after the year 2026 have been published. To kya ये विपक्ष के नेताओं का मत है कि जो संविधानिक प्रक्रिया इंगित है संविधान में उसकी अवहेलना हो? शुड वी नॉट अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन? इज दैट द पोजिशन टेकन बाय लीडर्स ऑफ द ऑपोजिशन पार्टीज? दैट इज माय हम्बल सजेशन एंड सबमिशन। फिर यह आरोप लगाया गया कि आप OBC और मुस्लिम रिजर्वेशन क्यों नहीं देते। मुझसे ज्यादा अनुभवी लोग जो वर्तमान में बिना माइक के और पीठ की परमिशन के दांत चबा चबा कर बोल रहे हैं, उनको शायद इस बात का आभास नहीं कि संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण वर्जित है। इसलिए मैं आज आपके माध्यम से, महोदय, आग्रह करना चाहती हूं कि ये भारत वो भारत है जहां पर आज लोगों के पास व्यवस्थाएं डिजिटली भी पहुंची हैं, और इसीलिए हमारे देश के नागरिक जिस प्रकार से विपक्ष भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है,
उस भ्रम में ना फंसे, इसलिए तथ्यों का रिकॉर्ड पर आना उचित है। जो आज इस सभागार में बिना पीठ की अनुमति के आते ही एक शब्द का उच्चारण कर रहे हैं, इनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि देखी जाए तो महिला के साथ विधानसभा में क्या आचरण करने का इनका इतिहास है। ऐसे लोग आज महिला की मर्यादा पर टिप्पणी ना करें तो इस सदन की शोभा बढ़ेगी। जो जानना चाहते हैं साफ साफ क्या बोलना चाह रही हूं, वो ये कि राष्ट्र सरकार के इस फैसले को स्वीकार करते हुए नारी शक्ति वंदन अधिनियम को समर्थन देती है, राष्ट्र की महिलाओं के संवैधानिक सशक्तिकरण में अगर विपक्ष रोड़ा ना बने तो हम कृतज्ञ होंगे। महोदय, आज जिन लोगों ने इसको जुमला कहा और कहा कि हम चिट्ठियां लिख रहे थे इसलिए काम हुआ, कम से कम उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि सरकार में प्रधान सेवक ऐसा कि इतने विराट दिल का कि आप उनके साथ पक्षपात करते रहे, जब आपके साथ सत्ता थी आप बार बार उनका अनादर अपमान करते रहे, लेकिन उन्होंने बड़ा दिल दिखाकर आपके हर कम्युनिकेशन को पढ़ा, आपसे चर्चा की। मैं स्तब्ध हूं कि आज जिन लोगों ने व्याख्यान किया महिला सशक्तिकरण का, वो ये भूल गए कि सत्ता उनके पास थी, चमन उन्होंने लूटा, वरना आज जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा, कब का ये गुलिस्तां हो चुका होता। और हम जो साल 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की सेवा के लिए अनुग्रहित भाव से इस सदन में आए, हमने तब से लेकर अब तक महिला उत्थान के लिए विभिन्न इकाइयों के माध्यम से, योजनाओं के माध्यम से प्रयास किए। इस सदन में महिलाओं के लिए टॉयलेट्स बनाने की बात हुई, इस सदन में महिला को किस प्रकार से घर दिलवाया उसकी बात हुई, लेकिन महिला सशक्तिकरण माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए एकमात्र टर्म से संबंधित, योजना से संबंधित संकल्प नहीं। जब से उन्हें भारतीय राजनीति में राष्ट्र की, प्रदेश की अपनी सेवा करने का मौका मिला, तब से उन्होंने कहा कि मातृशक्ति गवर्नेंस का केंद्र बिंदु होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं महिलाओं के माध्यम से प्रदेश और देश विकसित हो पाएगा।